हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनीता और श्रेया दोनों दिल्ली शहर की रहने वाली गुप्ता खानदान की बेटियां थी। दोनों ही बेहद खूबसूरत और समझदार थी। अनीता को खाना बनाने का बहुत शौक था, वो तरह तरह का खाना बनाना जानती थी। तो दूसरी तरफ श्रेया को नाच गाने का बहुत शौक था और श्रेया काफी मजाकिया किस्म की भी लड़की थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अनीता की शादी के बाद भी अनीता श्रेया को ज्यादातर अपने ससुराल में ही बुलाकर रखती थी। ऐसे ही एक दिन अनीता का पति सिद्धार्थ श्रेया से पूछता है, सुनो साली साहिबा, तुम्हारे बाल वाकई बहुत सुंदर हैं। ये तुम्हें किससे मिले हैं, तुम्हारी मम्मी से या पापा से? जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे ये बाल मेरे पापा से मिले हैं। वो क्यों? क्योंकि उनके सर के बाल गायब हैं। श्रेया की ये बात सुनकर सिद्धार्थ बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है, यार तुम तो वाकई में बहुत मजाक किया हो, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम ऐसी होगी। फिर कैसी लगती हूँ मैं आपको? मुझे तो बस यही लगता था कि तुम बिल्कुल अपनी बहन की तरह होगी, सीधी सादी सी, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल की हो। थैंक यू जीजू, आप भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और उनके दरमियाँ और ज्यादा नजदीकियाँ बढ़ जाती हैं। एक दिन श्रेया कुछ खामोश सी अपने कमरे में बैठी होती है। सिद्धार्थ को उसकी चिंता होती है तो वो उसके पास जाकर उससे पूछता है, क्या बात है श्रेया, तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी हो, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस मन कुछ अजीब सा हो रहा है तो यहाँ आ गई। खैर मेरी छोड़िए, अपनी बताइए, आपका दिन कैसा रहा? मेरा दिन तो अच्छा गुजरा, बाकी तुम बताओ। मेरा भी अच्छा ही गुजरा। सिद्धार्थ श्रेया को ऐसे मायूस देखकर बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए वो श्रेया का मूड ठीक करने के लिए एक जोक सुनाता है। सुनो, पता है आज ऑफिस में मेरे दोस्त ने कहानी सुनाई थी। अच्छा मुझे भी सुनाइए। ठीक है, दो शराबी दोस्त गाड़ी चला रहे थे। अच्छा फिर क्या हुआ? बताता हूँ। एक चिल्लाया, अबे दीवार है आगे, आगे दीवार है, तभी गाड़ी दीवार में घुस गई। ओ, फिर क्या हुआ? अगले दिन दोनों अस्पताल में। पहला दोस्त, मैं चिल्लाकर कह रहा था ना आगे दीवार है, तूने सुना क्यों नहीं? इसके बाद क्या हुआ? बताता हूँ। दूसरा दोस्त, अबे बेवड़े, गाड़ी तू ही चला रहा था, मैं नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे। सिद्धार्थ श्रेया के होठों पर हंसी देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, मानो जैसे उसके दिन भर की थकान खत्म हो गई हो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, श्रेया का अपने जीजा के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। वहीं सिद्धार्थ भी श्रेया को हर छोटी बड़ी बात और जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने लगता है। श्रेया के मन में ये गलतफहमी आ जाती है कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ भी उसे पसंद करता है और उसे प्यार भी करता है। ऐसे ही एक दिन वो अपने जीजा से कहती है, जीजू आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा? आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो श्रेया, मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रखता हूँ और कुछ नहीं। आखिर साली साहिबा हैं आप हमारी, अगर हम आपकी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो मुझे नजर आ रहा है कि आप मेरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता। देखिए, आपको मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता ये सब। लेकिन क्यों, इसमें गलत क्या है? आप समझते क्यों नहीं है, आपको ये सब मेरे साथ नहीं बल्कि दीदी के साथ करना चाहिए। मैं तुम्हारी बहन का भी ऐसे ही ख्याल रखता हूँ श्रेया, तुम फालतू में ही चिंता कर रही हो, और वैसे भी तुम्हारा ख्याल रखना भी तो मेरा ही फर्ज है ना। देखिए मैं आपको साफ साफ कहती हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। श्रेया की बातें सुनकर सिद्धार्थ को थोड़ा सा अटपटा लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो श्रेया की लाइफ में ज्यादा ही दखलअंदाजी कर रहा है, जिसके चलते वो ये तय कर लेता है कि आज के बाद वो उससे बातें नहीं करेगा, नहीं उससे ज्यादा हंसी मजाक किया करेगा और ना ही ज्यादा उसके आसपास जाया करेगा। अपने लिए फैसले के मुताबिक सिद्धार्थ अब सुबह श्रेया के उठने से पहले ही ऑफिस चला जाया करता और शाम को देर से आता, और छुट्टी वाले दिन तो वो अपना सारा वक्त बाहर ही बिताया करता था। इन सब बातों का श्रेया पर बहुत असर होता है और वो परेशान होकर काफी इरिटेट हो जाती है। ऐसा करते करते सिद्धार्थ को काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन श्रेया सिद्धार्थ के पास जाती है
और उससे बोलती है, सुनिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है बात करने का। आपको मुझसे बात करनी ही होगी। देखो श्रेया, ये सब मेरे साथ मत करो। मैं क्या कर रही हूँ या फिर आप क्या कर रही हैं मेरे साथ? मैंने क्या किया? तुम चाहती थी कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ तो मैं चला गया, फिर भी तुम्हें दिक्कत है? मुझे किसी बात से कोई दिक्कत नहीं है सिवाय इसके कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। मैं कहाँ तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ श्रेया, बस तुमसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। सिद्धार्थ के जाते ही श्रेया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने जीजा के ऐसे बर्ताव का कारण सोचने लगती है। पूरे दिन वो इसी असमंजस में खोई रहती है। शाम को जैसे ही सिद्धार्थ वापस घर लौटकर आता है, वो उसके कमरे में जाने से पहले ही अपने कमरे में उसे ले जाती है और फिर बोलती है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे साफ साफ बता दीजिए। तुम पागल हो गई हो श्रेया, अगर तुम्हें और मुझे एक साथ किसी ने देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। हो जाने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब क्या कह रही हो श्रेया, तुम होश में तो हो? मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, बस मुझे बता दीजिए और मुझे जाने दीजिए। बोलो क्या? डू यू लव मी? ये क्या कह रही हो तुम? जो पूछा है उसका जवाब दीजिए, डू यू लव मी और नॉट? नो नो, आई डोंट लव यू। लेकिन क्यों, मुझ में कमी ही क्या है? बात कमी की नहीं है श्रेया, बात फीलिंग्स की होती है। मैं जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ वह प्यार नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। श्रेया और सिद्धार्थ एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर अनीता आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, श्रेया मैंने तुम्हारी कही हुई हर एक बात सुन ली है। देखो अनीता, इसमें श्रेया की कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। देखिए मैं जानती हूँ कि गलती किसकी है और किसकी नहीं। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी, लेकिन जीजा जी मुझे सही रास्ते पर ले आए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब सुन चुकी हूँ, मैं जानती हूँ इस उम्र में ये सब गलतियाँ हो जाया करती है, और मुझे आप दोनों पर पूरा यकीन है कि आप कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे। और श्रेया गलतफहमी सभी को हो जाती है, पर अगर सही समय पर उस गलतफहमी को दूर कर दिया जाए तो बातें और हालात दोनों अच्छे हो जाते हैं। थैंक यू दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आपके और जीजू के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो। सॉरी। गुड, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। सबकी गलतफहमियां भी मिट गई, चलो अब जल्दी से खाना खा लेते हैं। मैंने सबका पसंदीदा मूंग दाल का हलवा बनाया है। सभी लोग एक साथ मिलकर हलवा खाते हैं। वक्त बीतता जाता है और श्रेया अपना ध्यान ओवरथिंकिंग से हटाकर अपने करियर पर लगाती है। थोड़े ही समय के बाद एक अच्छा सा लड़का देखकर अनीता और सिद्धार्थ उसकी शादी करवा देते हैं, जहां श्रेया खुशी खुशी अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है और वहां पर अपनी जिंदगी उसके साथ बिताने लगती है। तो वहीं अनीता और सिद्धार्थ भी एक बार फिर से हंसी खुशी अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जीजा साली के झोलमोल की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी जीजा और साली? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।